नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से वागीश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। अमलिया घाट से संबंधित विवादित रोड का निराकरण करने पहुंचे जिलाधिकारी जौनपुर व उप जिलाधिकारी कादीपुर। विधायक बदलापुर रमेश चंद्र मिश्र ने किसानों को जमीन का 4 गुना मुआवजा दिलाने जाने की सांत्वना दिलाकर अमलिया घाट पर बने पुल के रोड निर्माण के विचार विमर्श किया गया। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर अधिकारियों व विधायक बदलापुर रमेश चंद्र मिश्र का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमने किया एक किया 36 शेयर लिया है सर, उसमें 3 लोगों का शेयर था। हमने कहा कि हमारा इसमें 12 शेयर बनता है, आप 12 शेयर कराइए। कह नहीं, आपसे केवल 8 शेयर कराया जाएगा। ये सब क्यों हुआ, ये सब एसडीएम साहब समझ गए, यहाँ पर गलतियाँ हुई। इसमें सर केवल 8 झगड़ा इन्होंने पैदा किया, मोटी सी बात करना चाहिए, झगड़ा पैदा होगा। जी सर, कसी में रहे एक रजिस्ट्री कराए 12 ईयर का। जी साहब, आप एक मिनट सुनिए, आपने हमारे एक जैसे मुख्यमंत्री के भी नॉलेज में हमने पूरा मामला डाला है और एक कमेटी बना करके जल्द जो है इस मामले का हम लोग निस्तारण करके हम लोग का विचार है कि जल्द से जल्द यह पुल चालू हो, क्योंकि यह 3 जिलों को जोड़ने वाला पुल है, जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, और ये हमारी विधानसभा को जोड़ता है सुल्तानपुर से। इसलिए मैं भी लगा हूँ, जबकि मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरे क्षेत्र में पूरा पुल बन गया है और हमारे क्षेत्र में जो अप्रोच रोड है वो भी बन गया है हमारे विधानसभा में। लेकिन इधर जो सारा मामला सारा विवाद सुल्तानपुर की तरफ है और उसके बावजूद भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे जौनपुर के जिलाधिकारी और हम सभी लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि मामला निपट जाए, जिससे कि तीनों जिले के लोगों को आसानी से आवागमन में सुविधाएं मिले।